He's saying 5 minutes. I'll call you back. बरसात माँ भागे हाँ हम आप दोनों के जाने थे हम आपको सिनेमा माँ पेपर माँ टीवी माँ आपको हम आप दोनों को हर जगह देखें अब सनी कौशल बाबू है ना जी और आप राधिका बता दीजिए है ना जी सुनो भैया आपका बॉलीवुड के दर्शन करा दिए सनी माँ से भी पहले हम आप दोनों हमारे छुट्टी पर आए जी नहीं एक्चुअली हम एक इवेंट पर जा रहे थे और हमारी गाड़ी पर सिनेमा वालों की भी गाड़ी ऐसे चलते चलते बंद हो ही जाता है मतलब उनका लगा था कि अब बड़े लोग हैं तो परेशानी अब बड़ी हो तो ही है ठीक है हम ही भूल गए हम आपसे कुछ पूछे नहीं चाय पानी कुछ नहीं नहीं कुछ भी नहीं आप यहीं पे रहते हैं जी वैसे हम हैं इमली फ्रॉम पटेल और आप वैसे दिल्ली में रहते हैं इमली सो क्यूट पर पगडंडिया तो यहाँ से काफ़ी दूर है ना तो आप यहाँ पढ़ाई के लिए आएंगे या कोई और रीज़न मतलब अगर ऐसे 10 गाड़ियाँ खराब हो के फिर से बन जाए चलने लगे कब रुके ना पर हम भी तुम्हारे का मतलब है पर आप इतना समझ लीजिए कि प्यार हम करना चाहते हैं मतलब कहानी जैसी भी हो जितनी भी अलग हो I'll take this again yes sir yes sir लव स्टोरीज जैसी भी हो जितनी भी अलग हो सब में एक कॉमन फैक्टर ज़रूर होता है शिद्दत जैसे आप प्यार के लिए पगडंडिया से दिल्ली आ गई वैसे ही एक सफ़र जग्गी का भी जो अपने प्यार को पाने के लिए कार्तिका तक पहुँचना चाहिए वो हमारी नई फिल्म शिद्दत के कैरेक्टर है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन I don't know आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप अभी बहुत यंग हैं बट क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उस प्यार में आप खून हो जाए और दुनिया की हर चीज़ हर इंसान आपको उस प्यार से मिलने नहीं दे रहा बट कहते हैं ना अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं जैसे जग्गी को कार्तिका मिली अब वो पेरिस में नहीं मिलती तो बठिंडे में मिलती और अगर वो दिल्ली में नहीं मिलती तो आपके पगडंडिया में मिल जाती तो कार्तिका दीदी और जग्गी बाबू आखिर पर मिल गए वो दोनों सारी ताकत सब फील कर दिए हमका बताइए ना कि हमका भी उनके जैसे हिम्मत आपको जानना है हाँ। तो उसके लिए आपको हमारी फिल्म शिद्दत देखनी है जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है और हम देखिए और अपने बाबू साहब को भी दिखाइए पक्का पक्का थैंक यू हो गया सर कि नहीं हो गया सर